ये राई कहाँ से आ रही है जिसका पहाड़ बनाया जा रहा है? लोगों को एजुकेट करना इसलिए जरूरी है गंदगी और खलासत पे कि इक्तदार के लिए किस हद तक जा सकते हैं। एक्सपोज भी काफी हद तक हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि इस वक्त जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, जब अलीम खान पीटीआई छोड़ के ऑडियो लीक्स और ये वीडियो आने वाली है जिसका खान साहब ने जिक्र किया, तो यकीनन खान साहब को मालूम है कि वीडियो तैयार हो रही है, कहीं बन रही है, राई का पहाड़ बनाया जाता है। अलीम खान साहब ने जब पीटीआई छोड़ी थी तो उस वक्त मुझे खबर मिली थी कि उनके फोन के अंदर ही बहुत सारी वीडियोज हैं जिनके लीक होने का खदशा, और लीक हो गई तो मसला होगा। ये राई ऑन चौधरी साहब नवाज शरीफ साहब से मिल रहे थे वो लंदन में, ये राई कहाँ से आ रही है जिसका पहाड़ बनाया जा रहा है आफरीदी साहब? देखिए जी, ऑफ लेट अभी देखें जजेस ऑडियो वीडियोस जब से स्टार्ट हुई, बदकिस्मती से मरियम मीडिया स्ट्रेटेजिक जो सेल है उसका जो रोल रहा, और उसके बाद अब जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें ओवरऑल स्टार्ट हुई, तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पाकिस्तानी, सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के और पाकिस्तान के बाहर वो तमाम लोग जिनको रेलिवेंट, जिनके पास रेलिवेंट एक्सपर्टीज हैं, वो आपको बता देते हैं कि जी इसको किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। हमने बहुत सारी चीजें देखी, डीप फेक इज अ क्लासिक एग्जांपल, और यही पहले से देखें, लोगों को एजुकेट करना इसलिए जरूरी है, आपने सबको कॉन्फिडेंस में लेना है, और इनकी जो मोटिव्स हैं जो बदकिस्मती से बेस करते हैं गंदगी और खलासत पे कि इक्तदार के लिए किस हद तक जा सकते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट। तो वो एक्सपोज भी काफी हद तक हो चुका है, आप सही कह रहे हैं शरियार आफरीदी साहब। आज इनको फंसा दे, बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानियां कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।